नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में रूपाणा बॉक्सिंग क्लब है यहाँ पे, और यहाँ के जो कोच है कैलाश गिल, और यहाँ ये रिंकू ढिल्लो जो बेटी है, आज पूरे 25 मई 2009 नोएडा में यूपी में गोल्ड मेडल विजेता है ये खेलो इंडिया बॉक्सिंग में। पूरे भारत में गोल्ड मेडल लेके यहाँ पहुँची है, और तमाम यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे यहाँ के नेता हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे किसान नेता हो, सब यहाँ मौजूद हैं, अभिभावक मौजूद हैं। खुशी का दिन है, मैं सलूट करता हूँ चरखी दादरी को और इस बेटी को, क्योंकि बेटी छोरा छोरियत है कम नहीं है। जी बेटा, हाँ जी सर, क्या नाम बता दीजिए? रिंकू ढिल्लो। कैसा लग रहा है? बताइए। बहुत खुशी हो रही है सर। तो ये बचपन से गेम आपकी मम्मी या पापा करते थे? नहीं सर, मेरा भाई करता था पहले सर। okay. मम्मी पापा नहीं करते थे। तो मोटिवेशन किसने किया? भाई ने सर। क्या बोले? बोले कुछ नहीं सर, बस इसने स्टार्ट किया बॉक्सिंग जब, तो मन में अपने आप आई कि मुझे भी करना है। तो क्या यहाँ क्या सोच के आए थे आप, जब भाई कुछ यहाँ बन के निकले? हाँ, वो बॉक्सिंग से आर्मी में लगा हुआ है सर। ओके okay. तो आप यहाँ क्या सोच के, खाली आर्मी नौकरी या कुछ और बड़ा सोच? नहीं नहीं, ज़रूर कुछ बड़ा सोच के आए हैं सर, ओलंपिक में। सोच के आए, ये है बेटियों में दम। बेटा, अभी यहाँ से अप डाउन डेली करते हैं? हाँ जी सर। तो यहाँ जो ये रूपाणा बॉक्सिंग है, तो यहाँ ही क्यों आए आप, और किसी जगह क्यों नहीं गए? सर, सबसे पहली बात तो यहाँ का माहौल, मैं इंडिया कैंप तक गई हूँ पर यहाँ जैसा माहौल कहीं नहीं मिला है सर। बच्चों का सहयोग, कोच साहब का सहयोग, हर चीज़ अलग ही लेवल पर है सर। अब आगे का निशाना कहाँ? आगे का निशाना ओलंपिक ही है सर। ओलंपिक में जाना है। ये देख लीजिए, छोटी सी बेटी मेरे साथ आज बातचीत कर रही है, कल ये बड़े पर्दे पे पूरे देश की आन बान शान होने वाली है ये बेटी। बेटा, आपके पिताजी ने बॉक्सिंग नहीं की, आपके मम्मी ने बॉक्सिंग नहीं की, आपके परिवार में बॉक्सर नहीं है, तो भाई को किसी ने कहा आप बॉक्सिंग कीजिए? वो अपने आप ही हो गया सर, किसी ने कहा नहीं। तो आपको यहाँ क्यों भेजा उन्होंने? वो बस बताया अभी यहाँ का माहौल सर, अपने आप खींच लाया यहाँ पे सर। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, जैसे यहाँ इतना बड़ा स्टेज, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है, गोल्ड मेडल लेके आई हो दादरी के अंदर, तो कितनी मेहनत? कुछ बच्चियाँ देख रही हैं आपको, मोटिवेशन मिले, सुबह कितने बजे उठते, शाम को कितने बजे उठते, कितनी परिश्रम करना पड़ा? परिश्रम तो सर चाहिए ही अगर सक्सेस होना है तो। सुबह जैसे 2-2.5 घंटे, शाम को भी 2-2.5 घंटे कंटिन्यू लगे रहना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ मतलब ट्रेनिंग से ही काम नहीं होता, डाइट, रेस्ट, हर चीज़ को मतलब फॉलो करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा सहयोग कौन करता है? सबसे ज़्यादा सहयोग तो सर कोच साहब का है। नहीं, घर पे जाते? घर पे जाते हैं, तब सर मेरे भाई का। भाई का? और मम्मी पापा? मम्मी पापा का भाई के बाद सर। भाई के बाद? तो कभी कभी आप बॉक्सिंग पंच से डराते नहीं घर पे? नहीं नहीं, असली देसी मुक्का है पंच तो नहीं, नहीं नहीं सर ऐसा। अच्छा, वहाँ पे खेलने गए, कितने राउंड किए आपने? वहाँ पे सर 3 फाइट हुई थी मेरी, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल्स। तो कभी थोड़ा विचलित भी हुआ वहाँ जाके, थोड़ा बहुत आपका दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिगमगाया कि कहीं मैं गोल्ड मेडल से रह ना जाऊँ, कभी मैं वंचित हो जाऊँ, ये मेरे से हैवी प्लेयर है, कुछ ऐसा कभी आपके साथ? नहीं सर, फाइट से पहले एक बार ये तो होता ही है कि बस जीतना ही है, हारना नहीं है, लेकिन मन में एक वो भी होता है कि ट्रेनिंग करी हुई है तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो वहाँ के जो प्लेयर थे, कितने कितने समय दिए उनको, या फिर एक मुख्य में पछाड़ दिए वो सारी बात? नहीं नहीं सर, 5-0 का स्कोर रहा है हर बाउट, मतलब पूरी यूनानिमस डिसीजन से क्लियर हुई है। 5-0? हाँ जी सर। आपके 5-0? हाँ जी सर। तो फिर आपने तो क्लीन शिव कर दिए उनको? हाँ जी सर। क्या बात है, पक्का गोल्ड मेडल है जी। क्या नाम? यशवीर ढिल्लो। यशवीर ढिल्लो। कहाँ से, कौन से गाँव से? खोरड़ा डिस्ट्रिक्ट जज्जर। ओके, रहते हैं आप? हाँ, दादरी में रहते हैं। तो बेटी ने? हाँ जी। अच्छा, पहले पहले बेटी बॉक्सिंग करती, आपने रोका इनको? नहीं नहीं नहीं, ये रोका तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये भैया के साथ में खेलने गई थी, छोटी थी इतनी थी, खेलने जाती थी साथ में, और आहिस्ता आहिस्ता ये वो कोच साहब ने सिखा दिया इसको, और इसका मन बढ़ता रहा। क्या बात है। तो अब मुझे ये बताइए, कभी बेटी अभी घर पे जाती है तो अब तो ज़्यादा आपको इनके साथ थोड़ा सा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल जी। तो आप सुबह शाम यहाँ आते हैं? बिल्कुल, सुबह शाम दोपहर सब टाइम साथ में, हर वक्त। मैं कुछ बोलूँ, हर वक्त मेरे साथ ही रहते हैं सर, मेरे से ज़्यादा मेहनत इनकी है। दिल्ली कॉलेज तक और गवर्नमेंट स्कूल तक साथ रहे हैं। क्या बात है। अब आपने मुख से बोलिए, छोरी छोरा तक कम नहीं, कम नहीं है। आप मुँह तो बोलिए, छोरी छोरों से कम नहीं है, छोरी छोरा तक कम नहीं है। कोच साहब, आपसे जानू दादा गुरु आपके पास है, तो कोच साहब कैसा लग रहा है, अपने आप हंस रहे हो? बहुत बहुत खुशी इतनी हो रही है भाई साहब, हंसी तो अपने आप आ रही है जी भाई। बिल्कुल जी भाई, ऐसे लग रहा है तो खुद की, ये सब खुद की मेरी बेटियों जैसी हैं, जैसी मेरी बेटी हैं ऐसी ही मेरी बेटी हैं। तो भाई वहाँ देसी भाषा में बतला ना है बात, भाई कर्जा तो पाड़ की दिखाया कौन सा, बाकी अंदर जाके देखो तो बहुत खुशी हो रही है, अपने आप हंसी आ रही है जी।
भाई साहब हम आने वाले 2024 2028 पर काम कर रहे हैं बहुत दिल और दिमाग से, इसके साथ बहुत डेडिकेशन और ट्रेनिंग। डेडिकेशन होगा तो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग और डेडिकेशन को दोनों को साथ एक साथ चल के हम उन चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, एक अचीवमेंट लेके आ सकते हैं। अगर आपका डेडिकेशन नहीं है तो आप कभी भी किसी भी फील्ड में आप कामयाब नहीं हो। जी तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, बड़ी बड़ी अकेडमियों की तरफ भाग रहे हैं लोग, तो ये क्या चक्कर है समझ में नहीं आया, और निकलते हैं छोटी अकेडमियों से फिर बड़ी अकेडमियों। देखो जी, जितना मैं बड़ी बात नहीं करेंगे, जो बड़ा दिखावा है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं एक फीकापन होता है। हम इस ज़मीन सतर से काम कर रहे हैं, हम एक बड़ा दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम वो चीज़ की सुविधा जिस चीज़ की खिलाड़ी को एक्चुअल में ज़रूरत है उस चीज़ का हम प्रावधान कर रहे हैं, न कि एक बड़ा बड़ा दिखावा, पोस्टर लगाना, बड़ी बड़ी बात करना। ये सब लोगों से हटके हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ खिलाड़ी को एक्चुअल में चाहिए उन चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। हम कोई अपने आप का बड़ा तो जब खिलाड़ी रिजल्ट आएंगे तो बड़ा अपना अपने आप हो जाएगा। लांबा जी अपने आप हो जाएगा। दादा गुरु आपसे जान लेते हैं, पहले सुबह से नारे लगा रहे हो, आज आपके दादरी का सौभाग्य है, बेटी ने धमाका मचा दिया पूरे इंडिया में। देखिए जी बिल्कुल, आज आज हमने बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी लाडो है वो गोल्ड जीत के लाई है खेलो यूनिवर्सिटी में। हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से गेम में क्वालिफाई करना पड़ता है लंबा, तो बहुत आज मन मतलब काफ़ी दिनों से थोड़ा उदास था, फिर आज बेटिया ने जो गोल्ड ला के दिया है तो बहुत खुशी हुई कि महाराज जो नगर खेड़ा है इलाका है, और भाई हम आशा करा हाँ कि बेटी ओलंपिक में भी लाओगी। जी थैंक यू। और यही बात विनेश को कही थी कि ओलंपिक में मतलब भाई, तो विनेश ने जो बात कही थी ना वो पक्का लाई, तो ये बेटियां जब गोल्ड ले और बेटे भी ले आएंगे, इस एरिया के बेटे भी लाते हैं, तो जब गोल्ड लेते हैं ना जब हरियाणा का, तो बड़ी खुशी हो है कि मतलब भाई हमारा लाडो और लाडले गोल्ड ले रहे हैं, तो इससे खुशी क्या होगी। मुन्ना जी आप थोड़े से नजदीक आ जाइए बेटी के, इनके माता जी मेरे साथ बनी हुई खास बातचीत में, इनके जी बहन जी नाम क्या है? मेरा तो जी मुनेश। तो आपने कभी बॉक्सिंग नहीं की? नहीं जी। आपको पता नहीं था ABCD बॉक्सिंग का? नहीं जी। तो फिर बेटी बॉक्सिंग में आती तो कुछ आप कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता था या कहती थी बॉक्सिंग करके क्या करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं जी ऐसी नहीं है बिल्कुल। डाइट वाइट अच्छा खाना केयर करना कौन करता? ये तो हम करते हैं जी घर पे, हम भैया तो नौकरी लग रहा है, छठी साल लग गई उसको तो। हाँ जी। आज पूरे हिंदुस्तान में बेटी का नाम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता था ऐसा कुछ बेटी इधर बढ़ा करेगी? बिल्कुल जी, और आगे भी करेगी। तो पहले पुत का पाँव पाने में बिल्कुल दिख जाते हैं जी, इतनी इंटेलिजेंट इतनी होनहार लड़की है, आप पूछो मत। तो अभी आप ग्लव्स पहन के आप भी बॉक्सिंग करते हो थोड़ा बेटी के साथ? हाँ बिल्कुल, वैसे देखो तो मैं साथ तो रहती हूँ कोच साहब के, रह इतना कोच साहब बाद में मैं एंट्री कर लेती हूँ यहाँ पे। हाँ जी। बेटा मम्मी के साथ कभी फाइट की है? फाइट तो नहीं की है सर, लेकिन मतलब मेरे साथ रह के बॉक्सिंग का ज्ञान जरूर हो गया है। जरूर हो गया है। तो अभी तो कभी थोड़ा बहुत घर पे कर भी लिया नहीं नहीं सर ऐसे तो। कोच साहब 256 यूनिवर्सिटीज है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्वालिफाई होता है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी इकट्ठी होती है, उसमें जो टॉप 8 बच्चे होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, उनसे बड़ा ये खेल है जी। क्यों होगा छोरी के बारे में? ये पोती है भाई। अच्छा आपके दादाजी? तो आपने पहलवानी की है बचपन में? ना किसी पहलवानी का तो अपना ऊटड़ी गाड़वाया है। नाम क्या है? राम किशन। तो छोरी ने तो नाम चमका दिया बिल्कुल, राम किशन जी। आप तीन लड़का हैं, बड़ा तो यशवीर ढिल्लो, छोटा मतलब सुखवीर एक यशवीर, अरे ये मतलब तीनवा के एक एक लड़का एक एक लड़की, और तीनवा का बालक गेम में है, ये तो है बॉक्सिंग में है दोनों बहन भाई, और दचला का है कबड्डी में, और छोटनिया का है सियोनपुर में तराई। तो छोरी तो नाम पूरे इंडिया में तो मतलब है, हाँ यह तो पूरा मतलब अपना मतलब पूरा करेगी। चलो हाँ। बेटा आप भी बता दिए अकेडमी में कोचिंग करते हैं, यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी यहीं पर बॉक्सिंग करते हैं, मेरा साहिल नाम है। कैसा लगता? अच्छा लगता है यहाँ पर आके ट्रेनिंग करने में। इंडिया का पहला? हाँ जी। तो आपसे क्या अपेक्षा करें सभी बच्चों से आगे?
यही कि सभी अच्छी ट्रेनिंग करें, जैसे हमारी बहन मेडल लेके आई है, हम भी चाहेंगे कि हम भी मेडल लेके आएँ, और हमारी सबसे पहले तो घर वालों का नाम रखें, नाम ऊँचा करें, कोच साहब का नाम ऊँचा रखें, और सबसे बड़ी बात हम दादरी का नाम करें, क्योंकि हरियाणा में ऐसे सोचते हैं दादरी एक छोटा सा ज़िला है, पर इस ज़िले को हम बहुत बड़ा करें, जैसे दादरी नाम आगे जाके हम फाइट करते हैं तो दादरी का नाम हो, ये हम। तो रूपाणा कोचिंग में आप कहाँ? मैं सुरुगढ़ गांव से हूँ जी, यहाँ से 17-18 किलोमीटर है। डेली अप डाउन? हाँ जी। वाह जी वाह, ये हैं बच्चे होनार, और पढ़ते भी हो बेटा? हाँ जी, मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ अभी। तो पढ़ते फिर दिन में कहाँ, कैसे? घर पे ही, मतलब घर पे ही स्टडी चलती है, और जब एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, वैसे दिन में रूटीनली 2-3 घंटे निकाल लेते हैं पढ़ाई के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। ये हमारे साथ बेटा बना हुआ, देख लीजिए, 18 किलोमीटर डेली अप डाउन करता है ये बेटा जी। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या कहेंगे बेटी ने आज दादरी का नाम, पूरे हरियाणा का, हरियाणा का, दादरी का, भारत का, बहुत अच्छी बात है जी। बड़ी खुशी हुई, हमने पता चला भाई बेटी इतनी आगे बढ़ रही है, तो बहुत खुशी की बात है। को साहब तो जी क्या कमाल कर रहे हैं, दादरी की बच्चों को तैयार कर रहे हैं, भविष्य तैयार कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा जी, दादरी के लिए बहुत अच्छी बात है। भाइयों को साहब एक बात जानना चाहूँगा मैं, कभी आपने इतना शो नहीं किया पहले, एकदम बड़ा धमाका कर दिया आपने। ये जी इनका दिमाग था जी सबका। ये मेरे बुद्धिजीव लोग जो मेरे साथ हैं भाई, हम धरातल पर काम करें। लांबा जी थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रहा था, हम धरातल एक्चुअल में काम कर रहे हैं, भगवान का नाम लेके डेडिकेशन से हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं, इसलिए एकदम से बड़ा धमाका। और आप जो आगे आगे जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप हमें कितने बच्चों की कैपेसिटी देने? हाँ जी, हॉस्टल की सुविधा? हाँ जी हाँ जी, हॉस्टल कितने बच्चों? एयर कंडीशन हॉस्टल है, अभी हॉस्टल में तो 10 बच्चे हैं जी, टोटल कलम में 55 बच्चे हैं जी। कितने बच्चे ले सकते? मैं 60 बच्चों से ज़्यादा नहीं लूँगा जी। मैं सब, आपके पास जगह नहीं है और बच्चे आना चाहिए तो कहाँ आएंगे आप? देखो जी वो जो बच्चे चले जाएंगे, जैसे पहले अभी 4 बच्चे जॉब लग चुके हैं तो चले जाएंगे, ऐसे 4 और मेडल आया शायद अभी, 100-150 बच्चे और भी आ जाए। देखो जी वो तो उसके मुताबिक जो मेरी सीट होंगी ना उसी के मुताबिक, नहीं तो कोई भी आए सबका मान सम्मान है, बाकी सीटू के ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा उन पर, हम तो एक्चुअल में जो काम होगा वो एक्चुअल में काम करेंगे। नाम क्या है? बबीता। सो काफ़ी देर से बैठी? हाँ जी, आज बेटे का स्वागत नहीं करना था। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो ये सोचूँ कि ये ओलंपिक तक जाए, 2028 की तैयारी कर, मैं तो इसको यही बोला है बेटी को। क्या लगती है आप? जाएगी। ओके, अच्छा ये आप, ये है मेरी बेटी प्रैक्टिस कर रही है यहाँ पे। अच्छा कहाँ पे? ये रही मेरी बेटी। इनकी आपकी बेटी प्रैक्टिस करती है? हाँ जी। अच्छा बेटा इधर आइए, आप भी प्रैक्टिस करते हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से आते हैं? मैं यहीं से दादरी से हूँ। दादरी। क्या नाम है बेटा? वंशिका। कितने दिन से आ रहे? 2 साल। 2 साल से? ओके, तो यहाँ खून पसीना बहाना पड़ता है? हाँ। कितनी कठिन? बहुत। कुछ करके जाएंगे? यस सर। कुछ करके जाएंगे, धमाका मचा के जाएंगे? कुछ करके जाएंगे, धमाका मचा के जाएंगे। 2 साल से प्रैक्टिस कर रही है। तो ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, और ये कोच के बच्चे खड़े हैं पीछे, सभी खुश हैं। और चरखी दादरी के अंदर हम यहाँ पहुँचे थे, सारा नज़ारा दिखा दिया हमने, सबसे मिलवा दिया है। तो तस्वीरों हमारे साथ, आप आगे की खबर देखते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।